हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल सॉल्यूशन मिलान। दोस्तों, जो भी पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाना मत भूलो नया नया वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो दोस्तों, आज मैं जो लेके आया हूँ एक डीलाइट सोलर एमरजेंसी, जो कि आपने देखा ही है, इसका बटन क्लिक करने से ये ग्लो नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं, उसके बाद इसका जो प्रॉब्लम है वो हम देखेंगे और रिपेयर करने की कोशिश करेंगे कि इसका प्रॉब्लम क्या है। अभी तक इसको पता नहीं चला है, क्योंकि इसका बटन दबाने से इसका इंडिकेटर लैंप तो जल रहा है, लेकिन इसका जो एलईडी वो ग्लो नहीं हो रहा है दोस्तों। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको खोल लेंगे। तो खोलने के बाद इसका जो वोल्टेज है वो हम स्टेप बाय स्टेप जो है चेक करेंगे। मल्टीमीटर को डीसी 20 मोड में रख के इसका जो बैटरी का वोल्टेज है दोस्तों वो हमको नापना पड़ेगा। तो चलिए, इसका जो वोल्टेज है देखिए, लगभग 3 वोल्ट इसमें आ रहा है। तो ये वोल्टेज तो सही है, बैटरी जो है 3.2 वोल्ट का है, लेकिन थोड़ा वोल्टेज जो है 2 वोल्ट कम दिखा रहा है। तो ठीक है, इसका जो बटन है उसमें थोड़ा रस्ट है, इसको हम घिस के साफ कर देते। उसके बाद क्या है दोस्तों, इसका जो बोर्ड है उसको हम लिक्विड से साफ़ करेंगे, और अच्छे से साफ़ करने के बाद इसको ब्लोअर की मदद से इसको सुखा लेंगे। क्या होता है, बहुत सारा केस में क्या होता है दोस्तों, रस्ट के कारण जो है ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसमें क्या है, आप इसको अच्छे से क्लीन करके अगर हीट करके सुखा लेते हो तो इसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन इसमें और एक प्रॉब्लम भी है हमको, जो पता चल रहा है कि इसका जो है चार्जिंग का इशू है दोस्तों, क्योंकि इसका जो बैटरी है वो सिर्फ 3 वोल्ट ही दिखाया। इसका जो बैटरी है वो 3.2 वोल्ट है, तो चार्ज होने के बाद इसका जो बैटरी है वो वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा दिखाना चाहिए दोस्तों, थोड़ा सा तो नहीं भी दिखा रहा है दोस्तों, नहीं दिखा रहा है। तो देखिए, इसका जो है अभी हीट करने के बाद एलईडी जो है बोर्ड सही हो गया, अभी जो है लाइट ग्लो कर रहा है। लेकिन इसका जो प्रॉब्लम है अभी तक हमको पता नहीं चला, जो चार्जिंग का हमने सोचा है। तो इसका जो है वोल्टेज देखिए, हम मापेंगे इधर जो है 3.4 वोल्ट दिखा रहा है चार्जर लगाने के बाद बैटरी में। तो बैटरी जो है दोस्तों 3.2 वोल्ट और 3000 mAh का है दोस्तों, तो बहुत अच्छा क्वालिटी का बैटरी है। तो अभी जो है हम चार्जर लगाने के बाद चार्जिंग कनेक्टर में इसका वोल्टेज नापेंगे, देखिए 5.70 वोल्ट दिखा रहा है दोस्तों, तो ये भी सही है। तो अभी क्या करेंगे, एक बार चार्जर लगाने के बाद इसका जो बैटरी जहाँ पर लगता है वो बैटरी वाला कनेक्टर में हम वोल्टेज को नापेंगे कि सही वोल्ट आ रहा है कि नहीं है। तो इधर भी देखिए दोस्तों, वोल्टेज आ रहा है लेकिन ड्रॉप भी हो रहा है दोस्तों, ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है। देखिए अभी 0.26 2328 ऐसा कुछ वोल्टेज दिखा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये सही से चार्ज नहीं हो पा रहा है। देखिए इसका जो वोल्टेज है वो ड्रॉप हो गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये कनेक्टर के पिछले हिस्से में एक जो है छोटा सा डायोड रहता है दोस्तों चार्जिंग के लिए, इस डायोड ख़राब हो सकता है, तो इसको हम चेक करेंगे एक बार। तो नेगेटिव प्रोब को नेगेटिव में और पॉजिटिव प्रोब को डायोड के दोनों तरफ हम लगा के चेक करेंगे दोस्तों कि डायोड का प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए इधर जो है वोल्टेज अभी नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है, फिर से देखिए वोल्टेज आ गया है। तो शायद इस डायोड में कुछ ख़राबी है, और जहाँ पे चार्जिंग वोल्टेज है लगभग 4 वोल्ट दिखाना चाहिए, तो वो भी कम दिखा रहा है। देखिए डायोड के दोनों तरफ ही वोल्टेज जो है कम दिखा रहा है। तो डायोड को हम खोल लेंगे आयरन के मदद से, दोनों लेग को हम डायोड को खोल लेंगे। तो दोस्तों ये डायोड तो नहीं मिल सकता, ये आप दूसरा बोर्ड से उठा के लगा सकते हो, और अगर आप लोग के पास नहीं रहता है तो इसके जगह में आप दूसरा कुछ डायोड लगा सकते हो।
तो ए डैट जो है दोस्तों, एसएस करके कुछ नाम है इसका, हम दिखाएंगे आपको। तो इसके जगह में हम क्या लगाएंगे, एक 4148 जो डायड रहता है, जेनर डायड भी कहता है उसी टाइप का देखने वाला, तो वही डायड है दोस्तों। इसको लगा के हम इसको थोड़ा चेक कर लेंगे, ऊपर से ही लगाएंगे, इसका लेगा भी नहीं काटेंगे। तो लगाने के बाद हम इसका जो वोल्टेज है वो नाप के देख लेंगे, अगर सब कुछ सही रहेगा तो इसको हम सही से बैठा देंगे और इसको फिर जाके चार्जिंग वोल्टेज सब माप के देखेंगे, तो सही रहेगा तो चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों। तो मैंने चार्जर को लगा दिया है दोस्तों, तो अभी जो है बैटरी को हम कनेक्टर में लगाएंगे और देखेंगे चार्ज का सिग्नल जो है वो सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और देखिए डायोड भी हीट नहीं हो रहा है तो सही है, ये चलेगा। तो अभी हम वोल्टेज एक बार नाप लेते हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें 3.5 वोल्ट दिखा रहा है आउटपुट में, और इनपुट वोल्टेज कितना दिखा रहा है वो देखेंगे। देखिए दोस्तों इनपुट वोल्टेज 4 वोल्ट दिखा रहा है, जो कि पहले वाला डायोड में 3.5 वोल्ट ऐसा कुछ दिखा रहा था। तो इसमें इनपुट वोल्टेज जो है 4 वोल्ट दिखा रहा है और आउटपुट वोल्टेज जो है 3 वोल्ट से ऊपर दिखा रहा है। तो मैं इसको आपको फिर से दिखाऊंगा, सही से आप ध्यान से देखिए दोस्तों। इसका शायद डायट का ही प्रॉब्लम था, तो वो हम चेंज करके 4148 डायट जो लगा दिया है। अभी हम बैटरी को जहाँ कनेक्टर है वहीं पे फिर से वोल्टेज नापेंगे। देखिए इसका इनपुट वोल्टेज 4 वोल्ट, 4.1 वोल्ट, 2 वोल्ट ऐसा कुछ दिखा रहा है, मतलब सही है। और आउटपुट में देखिए 3.6 वोल्ट हो गया अभी, मतलब देखिए बैटरी चार्ज हो रहा है, जो कि 3.6 वोल्ट दिखाया है। अभी थोड़ा टाइम हमने लगाया है, तो हम बैटरी को खोल के और एक बार इसका वोल्टेज चेक करेंगे। यही पे कभी कभी वोल्टेज नहीं आ रहा था, तो देखिए अभी जो है वोल्टेज आ रहा है, उतना फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है दोस्तों। पहले तो पॉइंट पॉइंट में वोल्टेज आ रहा था, ठीक है। तो ये डायट सही है, काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस डायट को ले को काट के सही से हम इसको बैठा देंगे दोस्तों। जो भी मेरा चैनल का वीडियो देखते हो, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोग देखिए ये वाला जो है 4148 जो डायोड है, तो इसका आप इसको ही लगाइए, ये भी एक फ्यूजेबल डायोड है दोस्तों, ऐसा काम करता है, हर एक चार्जर में मिल जाएगा आप लोगों को पास। अगर ये डायोड नहीं मिलता है दोस्तों तो कोई भी चार्जर लो, मोबाइल चार्ज करने का जो चाइना वाला चार्जर रहता है, जो भी चार्जर के अंदर ये वाला डायोड आप लोगों को मिल जाएगा, उसमें ये डायोड एक तो रहता ही है, कभी 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 दो भी रह सकता है दोस्तों। तो उसमें आप लोग को मिल जाएगा, कोई भी ख़राब चार्जर के अंदर आप ढूंढोगे तो। तो देखिए अभी इसको हम कुछ टाइम इसको चार्ज में रखेंगे, आधा घंटा, उसके बाद इसको ग्लो कर के भी देखेंगे इसका प्रॉब्लम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए बैटरी का जो वोल्टेज है 3.2 वोल्ट दिखाया, अभी चार्जर डाल लिया, अभी इसका वोल्टेज जो है हम नापेंगे फिर से। तो वोल्टेज देखिए अभी ये जो है चार्ज हो रहा है सही से। पहले क्या हो रहा था, कभी कभी चार्ज पकड़ के छोड़ रहा था, तो इसी कारण देखिए अभी 5 वोल्ट भी हो गया 4 से। तो ये इसका जो प्रॉब्लम है दोस्तों, एक तो प्रॉब्लम था इसका जो मॉइस्चर वगैरह, इसी कारण ये ग्लो नहीं हो रहा था। दूसरा कारण जो है इसका चार्जिंग का इशू था, जो कि अभी ये ठीक हो गया। फिर भी हम इसको हम थोड़ी देर रख के आधा घंटा चार्ज करके उसके बाद इसको जला के देखेंगे, अगर प्रॉब्लम आता है तो फिर उसका हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके आप लोग ढेर सारा वीडियो है वो देख सकते हो, 200 से ऊपर वीडियो है, और उससे कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर आप लोग उठा सकते हो, क्योंकि कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो हम इसको अभी थोड़ी देर रखेंगे जला के, और इसको चार्ज में भी रख के देखेंगे। अक्सर क्या रहता है, कभी कभी जो है प्रॉब्लम हीट के कारण ठीक हो जाता है, फिर बाद में फिर से प्रॉब्लम आता है। तो इसका अगर चार्जिंग का सेक्शन पूरा ख़राब हो जाता है तो
इसका भी सॉल्यूशन है दोस्तों, आप डायरेक्ट चार्जिंग सिस्टम कर सकते हो। मेरा और एक डीलाइट सोलर इमरजेंसी का वीडियो है, तो उसमें आप लोग देखोगे, उसमें जो IN4007 जो डायोड है वो डायरेक्ट चार्जिंग कनेक्टर में लगा के हम बैटरी कनेक्टर में लगा दिया हूँ। उसमें क्या होगा, अगर पूरा चार्जिंग सेक्शन ख़राब भी हो जाए तो डायरेक्ट चार्जिंग होगा दोस्तों, बैटरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ओके, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।